करो करती हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन सी तमाम वो खबरें हैं जो पाठकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? तो बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से खबर है कि छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में एक और खजाना करके शीर्षक से सभी जी अखबारों ने खबर छापी है कि बक्सवाहा जंगल में मानव सभ्यता के इतिहास को समेटे दुर्लभ रॉक पेंटिंग मिली है। ये 25 से 30 हजार साल पुरानी है। कई पेंटिंग तो आज की खोज से ही पहले की है। एनजीटी और हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई ने इस रॉक पेंटिंग का सर्वे करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। कल साबरमती एक्सप्रेस की बोगी की ब्रेक जाम बीना के पास की घटना है। बनारस से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के ब्रेक जाम होने के कारण धुआं निकलने लगा, जिससे बोगी में हड़कंप मच गया। लेकिन यात्रियों की तत्परता के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। सागर में जल्द शुरू होगी ऑक्सीजन सप्लाई। सागर पहुंचा ऑक्सीजन प्लांट। सागर जिला अस्पताल में अगले 3-4 दिन में इसकी फिटिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर प्लांट शुरू हो जाएगा। कलेक्टर दीपक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि तीसरी लहर को देखते हुए जिला अस्पताल में वार्ड नंबर 3 से 6 और आईसीयू में मौजूद सभी बिस्तरों पर सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जिला अस्पताल परिसर में 1,000 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन प्लांट आ चुका है। कक्षाएं कल से, लेकिन टेबल कुर्सियों पर धूल, छत से टपक रहा पानी, सैनिटाइजेशन भी नहीं। सागर जिले के स्कूलों के हालात को लेकर भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की है। सरकार ने सवा साल बाद प्रदेश के सरकारी निजी स्कूल सोमवार को खोलने का फैसला किया है। लेकर शासकीय स्कूलों में कितनी व्यवस्थाएं हैं जानने के लिए शासकीय स्कूलों का जायजा लिया गया। एक्सीलेंस और म्युनिसिपल स्कूल में तो सैनिटाइजेशन का काम होते नजर आया, लेकिन अन्य स्कूलों में अव्यवस्थाओं का माहौल मिला। स्कूल परिसर में पानी भरा हुआ था। कक्षाओं का सैनिटाइजेशन तो दूर, टेबल कुर्सियों की पर धूल जमी हुई थी। जब स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने पहुंचेंगे तो उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन कैसे कराया जाएगा? नकली जेवर गिरवी रखकर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ाया गया है। सागर जिले के देवरी से मोतीनगर थाना पुलिस ने नकली सोना गिरवी रखकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 सदस्यों को पकड़ा है। गिरोह में करीब 6 से अधिक लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है, जिनकी तलाश की जा रही है। जी मंत्री और विधायक ने की नर्सिंग स्टाफ की सराहना। सागर में शनिवार को जिला अस्पताल में दक्ष स्किल लैब का शुभारंभ करते हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि दक्ष स्किल लैब शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने जिला अस्पताल के समस्त डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि आप लोगों ने कठिन समय में जो सेवाएं दी हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। बारिश को लेकर खबर है कि सागर में सावन की अगुवाई में बरसे मेघ, सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। 24 घंटे में 9 इंच से अधिक बारिश, ये हालांकि 24 घंटे में यहाँ 1.5 इंच बारिश हुई है, ये शायद मिसप्रिंट होगा उनका जी। वहीं छतरपुर में 1.25 घंटे में 1 इंच बारिश। नालियां जाम होने से बाजार की दुकानों में भरा पानी। छतरपुर जिला के नौगांव अस्पताल ताल नगर पालिका ने पानी निकासी की नहीं की है इंतजाम। टीकमगढ़ जिले के जतारा में सड़कें बन रही तालाब, बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से हो रहा है जल भराव। अवैध रूप से प्लाटिंग करने वाले भू माफिया पर पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। निवाड़ी जिले के ओरछा के कनक भवन मंदिर के पास अवैध रूप से प्लाटिंग की शिकायत पर पुलिस ने एक भू माफिया पर धोखाधड़ी, जालसाजी कर प्लाट बेचने का मामला दर्ज किया है। ये भू माफिया जो है सिंचाई विभाग राजघाट में बाबू के पद पर कार्यरत है और दमोह कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने वाले 24 विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। टीकमगढ़ में एसडीएम ने सोनोग्राफी सेंटर पर कार्रवाई की है और एसडीएम ने डॉक्टरों को समझाइश देकर कहा है कि भीड़ ना होने दें, अन्यथा सजा के लिए तैयार रहें। जी और पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हुए हैं। बिजली गिरने से अलग अलग जगह पर 3 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए। ये कुछ प्रमुख खबरें थी बुंदेलखंड इलाके की। बिल्कुल, तमाम खबरों के बारे में जाना जो आज यहाँ पर अपना ध्यान, हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच